देखिए, कल की घटना तो मुझे घर जाने के बाद पता चला कि कुछ घटना घटा है, क्योंकि मुझे रास्ते दिखाने के लिए लोग आगे रहते हैं, इधर इधर वो गए, उधर उधर हम भी चले गए और मैं अपने घर पहुंच गया। और घर पहुंचने के बाद मुझे ये इसकी जानकारी मिली कि कुछ लोग बहुत मतलब कहते हैं घात लगा करके मेरे इंतजार में बैठे थे और जब उनका ये प्रयास सफल नहीं हो पाया तब ये लोग उपद्रव करने की कार्यों में लग गए हैं। और अगर इस तरीके की हरकतें हैं तो प्रशासन पूरी गंभीरता से इसको लेगा और जो भी लोग होंगे कड़ी कार्रवाई होगी, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। देखिए लोग, रांची बहुत छोटा शहर है, लगभग हम आप दूसरे एक दूसरे का चेहरा जानते हैं और कौन लोग किसके हैं वो लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। कानून दल और पार्टी देख करके काम नहीं करता, वो गलत कार्यों पर और गलत हरकतों पर अपनी कार्रवाई करता है। सर एक सवाल और, सर नाजी वाली जो घटना हुई है, एक लड़की का सर जो काट दिया गया है, इस पर पुलिस अभी तक क्या कर रही है? कुछ भी पहचान तक नहीं हो पाया है। देखिए ये तो प्रयास उन्हीं का है जो आज खबरों में है, प्रयास जारी है और सरकार कोई भी खबर छुपाने के पक्ष में नहीं है, हर चीज आपके समक्ष।